हेलो दोस्तों गुड इवनिंग दोस्तों बिटकॉइन इस वक्त ट्वेंटी नाइन थाउजेंड पे है एक्यूरेटली कल टोटल मैडनेस हुई मैनुपलेशन uh, हुई मार्केट की मार्केट ने कल uh, जो रिएक्शन दिया हम जिस चीज़ की कल भी पूरी लाइव स्ट्रीम में भी मैंने बार बार जिक्र किया कि ये जो हम uh, ने एक्स्ट्रा बाउंस लिया है ये इसका प्रूफ ऑफ द मूव नहीं है इसका ये एक्स्ट्रा बाउंस है इट कैन बी अ और मार्केट बिल्कुल उसके बाद नीचे की तरफ आके उसी जगह पर आगी जहाँ पे एक्चुअल मार्केट को होना चाहिए था जैसे कि हम प्रोडिक्ट कर रहे थे ठीक है उस पर बात करेंगे लेकिन कल की वीडियो का मैं आपको एक छोटा सा क्लिप जरूर सुनाना चाहूंगा जस्ट फ्यू सेकेंड के लिए आप इसको सुनिए जो हम कल बात कर रहे थे यहाँ पे ठीक है <coughs> डेल्टा 20 बिलियन की हो चुकी करना है, करना है आपको पता है मैंने जितनी बार आपको ये चीज बताई थिंग्स टोल्ड यू इतनी डेल्टा लिक्विडेशन बढ़ जाती है तो मार्केट ऊपर नहीं जाती अब मार्केट कम से कम भी इस जगह पे तो आएगी और वेरी मच पॉसिबल के हम uh, पूरा uh, नीचे तक आज ट्वेंटी तो तो 28 के है अच्छा खैर तो एनी हाउ आई आई जस्ट वॉन्टेड टू शेयर के मार्केट ने रिएक्शन दिया है जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे दोस्तों टेक्निकल ने को स्टार्ट करते हैं uh, हल्की सी न्यूज़ देखेंगे लिक्विडेशन देखेंगे एक सौ चार्ट देखेंगे टी uh, ए करेंगे बिटकोइन का थीरम पर मैंने नजर तो नहीं मारी लेकिन फिर भी एंड में ज़रूर नज़र मारेंगे अगर आप नया सब्सक्राइब करें हम रोजाना करते हैं टेक्निकल एनालिसिस हम करते हैं ट्रेडिंग कोर्स हमारा चल रहा है हम करते हैं लाइफ स्ट्रीम्स वीकली आप बेल का बटन दबाएँ जब भी वीडियो आएगी आपको ज़रूर नजर आएगी हमारी कोशिश है कि आपको प्रो ट्रेडर बनाना आपको अपना सेंटिमेंट आप

यहाँ पे मेरा पर्सनल इंस्टाग्राम है यहाँ पे हमारी पार्टनर एक्सचेंज है यहाँ पे क्लिक करके आपको बोनसेज मिलेंगे जब बाई बनाएंगे यहाँ ये यह हमारे ट्रेडिंग टूल्स हैं जो मैं रोजाना यूज करता हूँ यहाँ पे क्लिक करके बनाएंगे आपको डिस्काउंट या बोनस मिलेंगे ये सिग्नल स्टैक है और उसके बाद हमारे वीडियोज यहाँ पे खैर आई विल ट्राई टू बी लिटिल फास्टर फेयर एंड ग्रीड से आते हैं 59 नाइन ग्रीड में है इतनी कोई खास ग्रीड नहीं है इसका मतलब स्लाइड ऊपर हम जा सकते हैं अभी हमारे पास स्कोप है दिस इज व्हाट आई विल एक्सपेक्ट 272 मिलियन के लिक्विडेशन ने कल शॉर्ट्स वालों को भी टोका और, और लॉन्ग्स वालों को भी तकरीबन 57700 यानी कि ऑलमोस्ट अगर आप देखें तो हमने 57700 लोगों को लिक्विडेट किया ठीक है अच्छा दूसरा मैं इसको जरा चेंज कर लूं अच्छा मार्केट की तरफ आते हैं आ, आ, इस वक्त आज कुछ तकरीबन सब ट्रेडिशनल मार्केट मोस्टली ग्रीन ही रही हैं यूरोपियन भी ग्रीन ग्रीन रही हैं मोस्ट ऑफ़ द मार्केट इन्होंने क्लाइम किया क्योंकि बेसिस अब 4.8 परसेंट आप देखें एशिया की भी ग्रीन रही उसकी अगर आप देखें न्यू बैंक ऑफ जापान चीफ चेयर फर्स्ट पॉलिसी मीटिंग उसकी थी उसके अलावा अगर आप देखें કે કે યુએસ માર્કેટ ક્યુ ગ્રીન હે સિમ્પલી મેટા કા કલર રિઝલ્ટ આયા થા ઓર બહોત પોઝિટિવ આયા થા ઉસને માર્કેટ કો બૂસ્ટ કિયા માર્કેટ ઉપર કી તરફ ગઈ ઉસકે અલાવા આજ જો ઇવેન્ટ આ રહે થે તકरीबन બ્રેક ઇવન હો ગયે દો આપકો રેડ નજર આ રહે હે દો આપકો ગ્રીન નજર આ રહે હે કોઈ اتنا ખાસ સેન્ટિમેન્ટ ઇસમે હમ શો નહી કર સકતે અગર વેસે ટ્રેડિશનલ માર્કેટ્સ કી બાત કરે એનપી 500 યે સ્ટોક નેસ્ડેક વગેરા કી અભી ભી અપ ટ્રેન્ડ અન્ડર પ્રેશર હે યની দে આર ટ્રાઈંગ ટુ ગો અપ लेकिन इतना खास अभी तक नहीं जा पा रहे यानी जैसे कहते हैं ना कंफर्मेशन ग्रीन या कंफर्मेशन रेड दोनों नहीं है इस वक्त अगर आप इसकी बात करें ठीक है द फेड की इन्फ्लेशन रेट स्टे हॉट एज जीडीपी स्लो जीडीपी चूंकि कम हुई है बहुत कम हुई है आज का जो डाटा है लेकिन समहाउ इसमें यही कहा जा रहा है कि ट्वेंटी फाइव पॉइंट बढ़ने के चांसेस हैं जॉबलेस क्लेम भी कम हुआ है और एस एन पी फाइव हंड्रेड रैली करने की कोशिश करिए मेटा प्लेटफॉर्म की सक्सेस कह लें उसकी अच्छी अर्निंग की वजह से बाकी सिग्नल ट्रेड में अगर हम देखें दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं एक तो स्टिल हम वन बुलिश वन बेरिश और पाँच न्यूट्रल हैं यहाँ के जो जितने भी सिग्नल हैं तो कोई खास राइट अवे मूव नहीं है क्योंकि ये बहुत शॉर्ट टर्म का बताता है डेफिनेटली यहाँ से हम जब ग्रीनरी देखेंगे स्पेशली ये एक्सचेंज सिग्नल और डरवेटिव सिग्नल दोनों तीनों जब ग्रीन होता है मार्केट अब जाती है तो मे भी थोड़ा टाइम हो उसके बाद मार्केट ग्रीन और बेरी सिग्नल दे लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है फाइव बिलियन इनफ्लो और थ्री पॉइंट एट बिलियन आउटफ्लो सेवन डेज इसका मतलब है कि बैलेंस आप देखें इनफ्लो यानी कि ब्रिटिश जो एक्सचेंजेस में है वो ज्यादा आया है और कम निकला है ज्यादा आया है ज्यादा आया है, मतलब समथिंग बिलियन का एक्स्ट्रा पड़ा हुआ आ गया है मींस के सेल प्रेशर आएगा ज्यादा ठीक है तो अः तो सेल करने की कोशिश करेंगे अगर हम स्टॉक्स का सेंटिमेंट वगैरह देखें तो सबसे पहले यहाँ पे देखें आप अः ये शॉर्ट टर्म और मिड टर्म पे अगर हम बात करें स्टॉक्स शॉर्ट टर्म में आप देखें ये यहाँ पे ग्रीन है इतनी इतनी अभी स्टिल थोड़ा ऊपर जा सकता है ठीक है ना शॉर्ट टर्म में आजकल थोड़ा ऊपर जाने की उम्मीद है लेकिन अगर मीडियम टर्म यानी कि नेक्स्ट वीक तक की बात कर लें तो ये हाई रिस्क में जा रहा है इसका मतलब तो ये नीचे जा सकता है बिल्कुल ऐसे ही गोल्ड है गोल्ड भी स्टिल ऊपर जा सकता है बल्कि गोल्ड और एग्रीकल्चर क्रूड ऑयल और बॉन्ड ये भी इनके पास भी प्लेस है स्टिल थोड़ा ऊपर जाने की स्टॉक हमें शॉर्ट टर्म में सिंपली अगर मैं बताऊं तो हम थोड़ा सा ऊपर जा सकते हैं लेकिन बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जा सकते क्योंकि हाई रिस्क है मीडियम टर्म में ठीक है दूसरा स्मार्ट मनी डम मनी कॉन्सेप्ट का देखें आपको पता है कि ये ब्लू वाली जो लाइन है ये स्मार्ट है यहाँ पे लिखा भी हुआ और ये रेड वाले जो हैं ये डम हैं जो कि कंसेप्ट शो करता है और ये ऊपर वाली लाइन बाइंग जोन हो बाइंग कर रहे हैं ये सेल कर रहे हैं तो आप देखिए स्मार्ट मनी इस वक्त सेल जोन में तकरीबन फिर रही है और डम मनी इस वक्त बाइंग जोन में फिर रही है ठीक है तो डेफिनेटली विच मींस कि आपको भी इस वक्त आ, 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 सेल जोन में होना चाहिए आपको शॉर्ट ढूंढनी चाहिए ऊपर जाने के बजाय अकॉर्डिंग टू सेंटिमेंट ट्रेडर जो कि एनालिसिस करते हैं स्टॉक्स का और uh, ट्रेडिशनल मार्केट्स का आप कह सकते हैं ठीक है हम आते हैं अपने हे ब्लॉक की तरफ आ, हे ब्लॉक में अगर हम सिर्फ 12 आवर्स का पीछे देखें तो आपको यहाँ पे 30000 पे और इस जगह पे 29400 यानी आप आप इसको थोड़ा सा इतना ही क्लोज कर लें आपको नजर आएगा कि आपको इस जगह पे इस जगह पे इस जगह पे इस, इस वक्त क्लोजली आपको लिक्विडेशन नजर आ रही है ठीक है तो मोस्टली वर आई एक्सपेक्ट के शॉर्ट वर्म में अगर हम यहाँ तक जाते हैं थर्टी थाउजेंड उसके बाद हम नीचे की तरफ जाएंगे और उसके बाद हमारे पास लॉन्गर टाइम फ्रेम में हमारे पास पुराने टारगेट पड़े हैं अगर मैं मंथली भी दिखाऊं तो अगर आपको रिम्बर होगा कि हम ढूंढ रहे हैं ट्वेंटी फाइव थाउजेंड समवेयर का कि मार्केट को अगर रियली ऊपर जाना है तो उसको आके यहाँ तक या फिर यहाँ तक का अ, खाना चाहिए क्या लें लिक्विडिटी ले उठानी चाहिए और उसके बाद ऊपर जाना चाहिए सो सिंपली वट आई एम सेंग हमें यहाँ से टच करना चाहिए लोग आएंगे लॉन्ग्स में ठीक है और मार्केट फिर उनको उल्टा कर देगी नीचे गिरेगी जब नीचे गिरेगी लोग आएंगे शॉर्ट्स में और मार्केट फिर क्या करेगी ऊपर निकल जाएगी ठीक है दिस इज हाउ मार्केट मूव्स तो अगर हम थोड़ा नेक्स्ट फ्यू डेज का रोड मैप तैयार करने की कोशिश करेंगे दिस इज व्हाट रोड मैप लुक्स लाइक टू मीन ठीक है बाकी अगर आप डेल्टा की तरफ देखें सबसे पहले हमारे पास ट्वेंटी बिलियन यहाँ पे थे हम नीचे की तरफ आए हमने तकरीबन तक बिलियन की uh, डेल्टा शॉर्ट बना ली ठीक है उसके बाद फिर हम दोबारा ऊपर की तरफ निकल गए अब हम लॉन्ग लगा रहे हैं लोग लॉन्ग में आ रहे हैं इस वक्त तकरीबन थ्री बिलियन की लॉन्ग है ठीक है लेट्स से अगर मार्केट यहाँ से थोड़ा सा करते हुए ऊपर कर तक चले जाती है थर्टी या प्रीवियस लो से थोड़ा ऊपर यहाँ तक का या यहाँ तक का चक्कर लगा के आ जाती है जो कि थर्टी थाउजेंड वन हंड्रेड बन जाता है टू हंड्रेड बन जाता है इकतीस तक हो सकता है लेकिन आई मीन मोस्ट प्रोबली मैं तकरीबन यहाँ तक, तक कह रहा हूं तो क्या होगा ये डेल्टा लॉन्ग्स बढ़नी शुरू हो जाएंगी ठीक है और डेल्टा लॉन्ग जब बढ़ते हैं क्या होता है मार्केट डाउन ट्रेंड लेती है और उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ आए और इन इन सबको लिक्विडेट करे जिन्होंने यहाँ पे सब ट्रेड्स वगैरह लगाई हुई हैं इट्स अ वेरी मच पॉसिबिलिटी अदर अदरवाइज फॉर अ मोर सिमिलर टाइम मार्केट थोड़ा शॉर्ट uh, uh, साइडवेज पे चले और उसके बाद कुछ रिएक्शन दे जब उसे यहाँ पे कुछ उम्मीद नजर आई या मार्केट मेकर्स प्लान तरतीब कर लेते हैं जब देन दे मेक अ मूव के मार्केट को किस तरफ लेके जाना और कैसे उसको रिएक्ट करना ठीक है कल यहाँ पे ऊपर की तरफ जब हम जा रहे थे 315 मिलियन डेल्टा यानी पाँच परसेंट का हमें यहाँ पे वॉल्यूम मिला लेकिन नीचे आते हुए यहाँ अच्छा यहाँ दो कैंडल्स हैं एक 315 मिलियन एक 453 मिलियन जब नीचे एक ही कैंडल में विद इन वन आवर कैंडल थी वो जिसमें हमें 683 मिलियन यानी माइनस एट परसेंट का डेल्टा वाले मिला खैर इसको हम लोअर टाइम फ्रेम पे भी जाके देख लें कोशिश करते हैं देखने की कि इस वक्त हमें अगर कोई डिवर्जन नजर आ रही है ओहो क्या हो गया उप्स 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 Uh, 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 जबरदस्त खैर <coughs> uh, देखते हैं इन्होंने मेन चीज अपडेट की है इसको बाद में देखेंगे खैर uh, यहाँ पे इस वक्त देखें तो हमें कोई खास लुक्स लाइक like खास डिवर्जन uh, नजर नहीं आ रही है मार्केट अभी साइड पे जा पर रही है uh, अगर आप सीवीडी भी देखें सिमिलरली ऊपर या नीचे की तरफ जा रहा है फोर आवर में मैं जाके देखूँगा शायद तो मुझे कुछ पॉजिटिविटी वहाँ पे नजर आ जाए 4 आवर में अह 4 आवर में देखते हैं अह 4 आवर में भी कुछ ऐसा खास नजर नहीं आ रहा कि कोई डाइवर्जेंस अभी फिलहाल बन रही हो मार्केट जो है अह uh, uh, पॉजिटिव नेगेटिव का अगर देखें तो कुछ ऐसा सिलसिला नहीं है लेकिन एक चीज आपको जरूर नजर आ रही है इस वक्त अगर हम देखें यहाँ पे नेट लॉन्ग और नेट शॉर्ट को तो आपको नजर आएगा यहाँ पे सिक्स हंड्रेड वन थाउजेंड एंड वन पॉइंट थाउजेंड लॉन्ग लगे हैं बदले में एट हंड्रेड थ्री हंड्रेड एंड फाइव हंड्रेड की लगी हैं तो विच मीन्स के आपको यहाँ भी नजर आ रहा होगा कि डेल्टा लॉन्ग यानी कि इस पूरी इतनी सी मूवमेंट इन लास्ट थ्री कैंडल में लॉन्ग ज्यादा लगी हैं ठीक है लॉन्ग ज्यादा लगी हैं लोग पौ, लोग पॉजिटिव हैं मार्केट मजीद ऊपर जाएगी लॉन्ग्स और ज़्यादा लगेंगी मार्केट प्रीवियस हाई से ऊपर निकल जाएगी डिवर्जेंस भी बन जाएगी और मार्केट नीचे की तरफ आई मीन लाइक लुक्स लाइक दैट गाइस टीए की तरफ आते हैं टीए की तरफ आते हैं <coughs> अच्छा uh, सबसे पहले लेट्स सी द इंडिकेटर वर दे आर सेइंग अस ऊपर जाने की जगह है फोर आवर में यहाँ भी यहाँ भी ऊपर जाने की जगह है लेट मी गो विद द डेली डेली हमें uh, डेली भी हम तकरीबन मिड में फिर रहे हैं कि ऊपर या नीचे जाना कोई इतना वो खास सिनेरियो नहीं है आवर uh, में वन मोर थिंग आई विल रियली लाइक टू टेल इसको हम एक और चीज कहते हैं जब मार्केट ऐसे ऊपर जाके एकदम नीचे आती है और फिर फिफ्टी परसेंट रिप्रेसमेंट लेती है उसको बेसिकली एक डेड कैट बाउंस भी कहा जाता है जिसके हिसाब से मार्केट बाद में नीचे जाती जाती जाती, जाती। अगर डेड कैट कैट बाउंस ही है तो मार्केट को कैसे आना चाहिए आप गूगल कर सकते हैं दे, कैट बाउंस को उसके पैटर्न आपको नजर आ जाएगा ठीक है तो जब मार्केट ऊपर जाके एकदम नीचे आए और एकदम ऊपर की तरफ बाउंस लेती है ना उसे कहते हैं डेड कैट बाउंस उसके बाद मार्केट में आना होता है ऐसे नीचे तो समहा अगर हम ऊपर की तरफ जाए हमारा वीकली लेवल भी चेंज हो गया एक तो हमारा ये बॉक्स है वीकली लेवल हमारा ऊपर है रिसेंट वीक का लेवल तो आई विल एक्सपेक्ट कि हम ऊपर जाते रहें और इस वीक को टेस्ट करके उसके बाद नीचे की तरफ आएं फिर हमारे पास वही हमारे पास एक तो ये लिक्विडिटी पॉइंट है यहीं से हम ऊपर की तरफ निकल जाएं ठीक है ना और इधर जो हमारे पास तकरीबन ये वाला पॉइंट है ठीक है ना जो प्रीवियस आप कह लें प्रीवियस रेजिस्टेंस वगैरह को टच करता है तो मार्केट यहां तक आए तो हमारे पास सिंपली लॉन्ग के लिए ये वाला जोन या ये वाला जोन दो होंगे ऊपर से हमें शॉर्ट करनी हो तो हमें इधर से करना है हमें नाइसली वेट करना चाहिए कि मार्केट क्या करती है लट से मार्केट यहाँ तक नहीं भी जाती है या इसके अंदर नहीं भी घुसती है ठीक है आप यहाँ से भी ले सकते हैं और अपना जो स्टॉप लॉस है उसको इस जगह पे रख सकते हैं शॉर्ट लगाए और स्टॉप लॉस रखें और उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ आते हुए देखना बाकी फोर आवर में ही अगर मैं दूसरे चार्ट की तरफ भी आऊँ तो ये आपको याद होगा कि मैंने आपको ये दिखाया था पिछले दिनों के जी ये हमारे पास वन टू थ्री फोर फाइव बन रहा है तो इसके बाद ए बी सी आता है तो अगर हम इसको भी देखें तो ए सी like ही बन रहा है इस वक्त uh, <coughs> यहाँ से हम लगाएं ए यहाँ से हम लगाएं बी और यहाँ से हम इस वक्त सी यहाँ तो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया यहाँ इधर लुक्स लाइक हम यहाँ तक जाएं तो लेट, लेट से, के हम सी बना लेते हैं ठीक है ना और जब ए बी सी कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद क्या होगा उसके बाद फिर ए बी सी दिस इज द नेक्स्ट सिनेरियो ठीक है तो डेफिनेटली अगर हम यहाँ से ऊपर तक जाते हैं रिटर्न लेते हैं और हमें शॉर्ट पकड़ना चाहिए उसके बाद हमारे पास ए बी सी ये सिनेरियो होगा और हम प्रीवियस प्रीवियसो से नीचे आएंगे उसके बाद हम नेक्स्ट मूव ले सकते हैं चाहे वो वन टू थ्री फोर फाइव ऊपर हो वन टू थ्री फोर फाइव नीचे हो वी विल सी तो समहा हमारा ये ए बी सी का सिनेरियो अगर आप देखें एक मिनट ठहरें इस वक्त ये बन रहा है ठीक है ना लाजिम लाजिम नहीं है कि यहाँ तक जाए ये भी आपको बता दो ये यहाँ तक भी दोबारा जाके यानी सिर्फ इस प्रीवियस हाई के ऊपर से जाके थोड़ा सा जाके यहाँ से ही नीचे की तरफ आ सकता है ठीक है तो सी कंप्लीट कर सकता है सी जब कंप्लीट होगा उसके बाद का मैंने आपको क्या स्नैरियो बनाया बताया ए बी सी इसको भी मैं उड़ा ही देता हूँ अब ठीक है ना <coughs> सी कंप्लीट करने के बाद हमारा स्नैरियो होना चाहिए लेट मी अरे क्यों नहीं आ रहा गिव मी अ सेकंड यहाँ पे से ए कर लेते हैं बी कर लेते हैं और सी कर लेते हैं उसके उसके उपस। अच्छा उसके बाद हमारे पास ये ए बी सी नेक्स्ट होना चाहिए जब हम सी कहीं भी ख़त्म कर लेते हैं इस सी को मैं अगर लेट्स से फॉर कन्वीनियंस थोड़ा नीचे की तरफ ले आता हूँ कि शायद यहाँ तक जाए हम इस प्रीवियस को क्रॉस करने की सोचे ही ना ठीक है ना एक तो हमारे पास ये है दूसरा लेट्स गो हमें कोई और स्नैरियो यहाँ पर नज़र आ रहा है अच्छा ये हमारा अगर आप देखें तो आ, हमारा पैरल चैनल है इसको नीचे आते हुए बहुत नीचे अगर हम इसको ब्रेक करेंगे ना जब तब भी से हम यहाँ से ऊपर नहीं जाते हैं और करते करते यहां तक आते हैं। इस ब्रेक के टेस्ट पे भी हम दोबारा एंट्री ले सकते हैं मार्केट उस वक्त नीचे की तरफ आ सकती है या इसके ऊपर बैठने की सूरत में लॉन्ग ले सकते हैं ये ब्रेक का जो होगा ना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये और अट्ठाइस बनता है ठीक है ये अट्ठाईस बनता है ये विकली उनतीस 840 बनता आठ सौ चालीस बनता है ये तकरीबन तो इसके ऊपर स्विंग फिलर होना चाहिए तो हमें यहाँ से शॉर्ट लेना है जो मैं अभी बता रहा था आपको पीछे ठीक इस, इसी जगह पे इस, पूरे जोन का अगर मैं पॉइंट ऑफ कंट्रोल भी एक दफा यहीं पे चेक कर लूँ तो भी हमें कुछ अरे मार्केट ने तो हिलना भी शुरू कर दिया अभी तो वीडियो भी अपलोड नहीं बनाई नहीं अपलोड नहीं की खैर एनी वे पे इस जोन को आप बड़ा नाइसली देखें Uh, कि हम इस वक्त पॉइंट ऑफ कंट्रोल से ऊपर घूम रहे हैं ये हमारा सॉरी वैल्यू मेरिया हाई से ऊपर घूम रहे हैं ये हमारा पॉइंट ऑफ कंट्रोल है और ये हमारा uh, वो है वाले मेरिया लो ठीक है अच्छा नाउ लेट्स से हम यहाँ से वापस आते हैं शॉर्ट ले लेते हैं एक ये तरीका है दूसरा uh, बेस्ट uh, क्या हो जाता है जैसे ही हम शॉर्ट लें और इसके नीचे जब आएंगे ना दोबारा हम इस जोन के अंदर आ जाएंगे तो समझ लें हम बहुत सिक्योर हो जाएंगे उसके बाद मार्केट चाहे जो मर्जी ड्रामे करती रहे वो आराम से इस वक्त नीचे आके इस लेवल को टेस्ट करेगी या इस लेवल को लाजम टेस्ट करेगी ठीक है ना तो uh, अभी तो यार मैंने अपलोड भी करनी है इसने पहले घूमना शुरू कर दिया खैर एनी वे दिस इज दिस इज वट आई विल फ्रेंकली एक्सपेक्ट राइट नाउ कि हमें यहाँ से शॉर्ट में एंट्री लेनी चाहिए ठीक है इसको मैं बंद करता हूँ बाकी थोड़ा सा लॉन्गर टर्म में डेली में मैं आपको बता दू मैं ना वीडियो को शॉर्ट करता हूँ ताकि आप तक मुझे एक तो यहाँ पे आप देखें ये आप, आपके पास ये बना हुआ है पहला चैनल यहाँ पे इसको टेस्ट करके कल भी नीचे की तरफ चला गया था डेफिनेटली आज भी इसको टेस्ट करके नीचे की तरफ दोबारा क्लोज करके नीचे की तरफ आ सकता है तो इस सिनेरियो से, से भी अः हमें एक तरह से रिजेक्शन मिलने की ही उम्मीद है दूसरा डेली में अगर मैं ये देख लू अच्छा डेली में ये ये जो हमारा पैटर्न था ये भी ए, आपको पता है ए, जब इसने पैटर्न को तोड़ा तो इसका टारगेट बेसिकली यहाँ पे था तो वही 25,400, 200 चार सौ दो वही प्रीवियस हाई वाली साइड पे ठीक है लेकिन मार्केट अभी तक यहाँ आए नहीं है तो मार्केट यहाँ से रीटेस्ट करके इसको दोबारा उसके बाद नीचे यहाँ तक आ सकती है और फिर यहाँ पे हमें एक बड़ी गुड किस्म की लॉन्ग पकड़नी है ठीक है ये लॉन्ग हमारे लिए सबसे बेहतरीन लॉन्ग होगी अगर मार्केट ये जाके ये रिएक्शन देती है और फिर ऊपर की तरफ निकलती है ठीक है ऑलवेज जब भी आपने ट्रेड में इंटर होना है दोस्तों तो आपको कुछ चीजों का जरूर जरूर जरूर, जरूर 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 याद रखना है कि आपने स्टॉप लॉस हमेशा लगाना बेशक टाइट लगाएं बेशक दूर लगाएं हमेशा आपने अपने ट्रेड के अपोजिट सोचना आपने कभी नहीं सोचना जो मैं ट्रेड लगाई है वो वही होगा जैसे ट्रेडिंग में एक चीज कहते हैं कि ट्रेड 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 व्हाट यू सी नॉट ट्रेड व्हाट यू फील ठीक है आप करते हैं इमोशन ट्रेडिंग आप फीलिंग पे ट्रेडिंग करते हैं कि यार आ, मैंने लॉन्ग लगा दी तो आप मुझे लगता है ऊपर जाएगा तो लॉन्ग लगा दी लगते से कुछ नहीं होता सब कुछ देखना होता है उसके बाद भी आपने प्रोबेबिलिटी के हिसाब से ऊपर नीचे आ, हर स्नैरियो देखना होता है कि अपोजिट टिट जाते तो उसमें से कैसे बचना है थीरियम पे बहुत क्विक नजर मारूंगा और मैं क्लोज करूंगा ताकि हम लंबी बात करें ही ना थीरियम <coughs> थीरियम ये उन्नीस से लेके

अस्सी बनता है मार्केट को 1980 पे आके हमसे लॉन्ग लगवानी चाहिए बेसिकली 1980 पे आके ना इस जगह पे स्विंग कलर पैटर्न बना लें डू समथिंग लाइक दैट और उसके बाद हम ऊपर की तरफ जाए मार्केट को एक्चुअली हमसे यहाँ पे लॉन्ग लगवानी चाहिए जो मेन स्नैरियो नाउ लेट्स से ऊपर की तरफ थोड़ा जाता भी है तो ठीक है शॉर्ट में एंट्री ले लें उसके बाद मार्केट के नीच, नीचे नीचे आए यहाँ जहाँ तक पॉसिबल है इसी गोल्डन पॉकेट से हम दोबारा फिर रोक लिया जाए और फिर हमारे हमें साइडवेज पे चला जाए पॉसिबिलिटी है राइट right? तो आपने रिएक्शन देखना मार्केट से निकल सकते हैं अगर आप इसको क्रॉस नहीं कर पा रहे क्रॉस करते हैं आपने इस लेवल का वेट करना ठीक है ये लेवल मार्केट को एक्चुअली इस लेवल पे ना जाए डेली में भी अच्छा डेली में ही हैं हम 4 आवर में भी हम देख लें एग्जैक्टली 4 आवर में अथीरियम मेरा ख्याल है मैक्सिमम इस पेपर पॉइंट को दोबारा चेक कर लेगा बहुत बड़ी छलांग लगाएगा तो डेफिनेटली इस ट्रेंड लाइन को जो लगी हुई है चेक करके नीचे की तरफ आ सकता है और ये इसके देखें लॉन्ग लगाने के दो पॉइंट लगे हुए हैं एक एग्जैक्टली exactly लगा हुआ है सत्तर बासठ पे सतारह बासठ पे एक सोलह अस्सी पे ठीक है ना सतारह सेवनटीन सिक्सटी और सिक्सटीन एटी ये दो आप जेन में रख लें ठीक है मतलब लॉन्ग यहां से लगेगी यहाँ यहां से लगेगी यह थीरियम में ठीक है जब आपने लॉन्ग में एंट्री लेनी है वो भी कैसे रिएक्शन देखना है कि यार यहां से नीचे जा नहीं पा रही है स्विंग फिल्डर पैटर्न बना लिया जैसे विक मार ली और ऊपर चला गया वापस ठीक है मैं लॉन्ग लगा रहा हूँ उसने विक मार ली ऊपर चला गया इट्स नॉट कमिंग डाउन ठीक है अगर वो यहाँ से कंटिन्यूअसली नीचे आ रहा है तो आपने सिमिलर रिएक्शन इस जगह से देखना है विक मार लिया आप ऊपर जा रहा है इट्स नॉट कमिंग डाउन आई 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 मीन विल जस्ट गिव देखना है, है तो उसकी रीजन क्योंकि बीटीसी से ज्यादा एथेरियम की डोमिनेंस इस वक्त कम है बीटीसी की ज्यादा तो ऊपर जाते इतना नहीं ज्यादा जाएगा जितना नीचे आते हुए ये ज्यादा नीचे की तरफ गिर सकता है ठीक है ना ऑल्ट कॉइन गिर सकते हैं जब डोमिनेंस हाई होती है बीटीसी की तो ऊपर से हमें इसी ला, इसी जोन में उन्नीस सौ से लेके 1980 तक का कह देता हूँ मैं आपको इस पूरे जोन से हमें शॉर्ट कहीं से भी पकड़ सकते हैं और स्टॉप लॉस हमें इस जगह पे रखना चाहिए इसका 1990 का अगर हम यहाँ से पकड़ने में कामयाब होते हैं लेट से आप आ, मार्केट यहाँ से ज़्यादा नहीं उठती है तो फिर आपका स्टॉप लॉस इस गोल्डन पॉकेट से ऊपर होना चाहिए जो कि उन्नीस तक की है तो आप उन्नीस सौ तक का के ईजीली स्टॉप लॉस यहीं पे कहीं फिर आपको यहाँ नहीं बल्कि यहाँ स्टॉप लॉस रखें देखें मार्केट शॉर्ट में आप डालें उसको नीचे की तरफ आने दें दिस इज द मोर अच्छा इतना सेफ होगा लट से आपको यहाँ वो ब्रेक कर देता है यहाँ पे आके ड्रामे करता है या कुछ उल्टी ट्रेड चल जाती है तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा दोस्तों दिस इज हाउ यू रियली ट्रेड सुकून के साथ ठीक है आई होप आप कमेंट करेंगे लाइक like करेंगे शेयर करेंगे सपोर्ट करेंगे बाकी आपको डिस्कॉर्ड में मिलते हैं कोई सडन चेंजिंग हुई हमेशा की तरह आपको डिस्कॉर्ड में अपडेट रखूंगा टेक केयर लव यू एवरीवन Bye-bye.